ज्यादा बोलता है क्या तू? बताएगा हमको कलेक्टर के नियम? सर मैं बता दूं, फालतू मत बोला है, चलता बड़े यहाँ, न तो यहाँ दूध खा के जाएगा। बोला अटल बंद कर खाने को, रिपोर्ट दो मिनट में दर्ज करवा देंगे, हिसाब भी देंगे तेरे को। सर मैं आपसे थोड़ी बात कर रहा हूँ। गलत कर रहा तू, तू पूछ रहा है तू? गलत थोड़ी, हम यहाँ सुने गलत थोड़ी। अरे गलत नहीं, तू कोई यहाँ सांड छोड़ रखा है, ये और जो नियम यहाँ का बढ़िया नहीं बनते। या तुम कोविड के ना मास्क लगा रहे, ना तुम यहाँ मास्क लगा रहे। आपके पास सही है सर, पर मैं गलत थोड़ी बोल रहा हूँ आपसे। आप ये क्या लिख रखा है, ये क्या लिख रखा है? बिल्कुल सर, आपकी बात सही है बिल्कुल। ये रजिस्ट्रेशन के बगैर स्टेडियम नहीं आ सकती। फिर क्यों आया तू यहाँ? तब तक अरे यहाँ खड़े मत हो, जाओ अपने खड़े हो बाकी बेटा। नियम तो ओए फालतू बकवास मत करे, तू बाहर निकल, तू कौन देता है क्या? सुना आपने किस लहजे में ये आदमी लड़कों से बात कर रहा है? तेवर ऐसा कि अच्छे अच्छे मंत्री और अधिकारी अपने बगले झांकने लग जाएं, और तेवर हो भी क्यों ना, माननीय जिला खेल अधिकारी जो ठहरे, फिर क्या शहर भी इनका, डीएम भी इनके, और स्टेडियम इनके अपने घर की जागीर हो गई है। जी हाँ, ऐसा ही है। तभी तो खेल अधिकारी सत्य प्रकाश लोहाच यहाँ एक्सरसाइज करने आए युवाओं को धमका रहे हैं, और एक्सरसाइज करने के एवज में पैसे मांग रहे हैं। मामला राजस्थान के भरतपुर का है, जहां कुछ युवा सुबह के समय स्टेडियम में पहुंचे थे एक्सरसाइज करने के लिए। तभी वहां जिला खेल अधिकारी आ धमके। आए तो थे एक्सरसाइज करने, लेकिन अपने सो कॉल्ड जागीर में युवाओं को खेलते देखा तो अपना आपा खो बैठे और लगे अपने रुतबे का धौंस दिखाने। सभी युवाओं को भगा दिया। वैसे इस स्टेडियम को सरकार ने लोगों के लिए बनाया है, लेकिन हर सरकारी सुविधाओं पर मालिकाना हक तो शायद अधिकारी का बनता ही है, लिहाजा अधिकारी महोदय ने अपना हक जताना ज्यादा उचित समझा। जब पानी सिर से ऊपर निकल गया तो युवाओं ने भी डीएम ऑफिस के बाहर विरोध प्रदर्शन किया और कार्रवाई की मांग की। भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं तो हम स्टेडियम जाते हैं, हमें कोई सूचना दिए बिना ही उन्होंने हमें 200 रुपये और 100 रुपये प्रति माह लेने की कही, और हमने बोला कि किस बात के सर, हमें नोटिस वगैरह कुछ आपने पहले भी नहीं बताया है। तो उन्होंने हमारे साथ गाली गलौज वगैरह की, माँ बहन की गाली दी और हाथापानी भी करी और अभद्र व्यवहार किया और हमें धक्के देकर बाहर निकाल दिया। किसने किया ये? सर ये खेल अधिकारी सत्यप्रकाश सिंह लोहाच, और उन्होंने प्राइवेट बाउंसर रख रखे जो क्या है कि सरकारी नहीं है, प्राइवेट तौर पर हैं, उनसे भी उन्होंने धक्का मुक्की करवाई और गाली गलौज करवाई हमारे साथ। मुझे इस बात की जानकारी मिली है कि आज जो हमारा स्टेडियम है जहाँ काफ़ी लोग घूमने के खेलने के हिसाब से आते हैं, वहाँ पर कोई उनसे कोई चार्ज आज दिया गया है जिस सुबह, और उसको लेकर के थोड़ा सा वहाँ माहौल भी खराब रहा। तो मुझे भी जानकारी मिली है, मैं अभी स्पोर्ट्स ऑफिसर से बात ही करता हूँ इस बारे में, और जो भी नियमानुसार है वही करेंगे। यदि नियमानुसार शुल्क दे है वहाँ कोई गेम खेलने का वो चार्ज किया जाएगा, और यदि अवैध कोई वसूली है तो निश्चित रूप से रोक भी देंगे उसको, और जिसने की है उसके खिलाफ कार्रवाई भी होने वाला है। मामले पर युवाओं को भी वही रटा रटाया कार्रवाई करने का आश्वासन मिला।